आज से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हो रहा है और इसके शुरू होने से पहले ही प्रोटेम स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार चल रहा है और वो आप लगातार देख रहे हैं और इसी बात से तस्वीर साफ हो रही है और ये पता चल रहा है कि ये पहला सत्र हंगामेदार हो सकता है। बीजेपी बैकफुट पर है इसलिए क्योंकि उनके पास अपने बल पर बहुमत नहीं है, विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत है और इसीलिए हंगामे की बात कही जा रही है, लेकिन असली बात होगी 26 जून को जब स्पीकर का चुनाव होगा। देखना यह है कि यह पद बीजेपी अपने पास रखती है या अपने अलायंस पार्टनर्स में से किसी को देती है और देखना यह भी है कि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के पास होता है या इंडिया ब्लॉक के। आज से कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखेगी संसद में। 18वीं लोकसभा का आज से आगाज होने जा रहा है। हालांकि आज और कल सांसदों का शपथ होगा। 26 जून को गहमागहमी बढ़ जाएगी क्योंकि इस दिन नए स्पीकर का चुनाव होना है। तो सवाल ये है कि कौन होगा नया लोकसभा का स्पीकर। क्या ओम बिरला को फिर से मिलेगी जिम्मेदारी या प्रोटेम स्पीकर भर्थरी महताब का नाम ही आगे बढ़ा देगी बीजेपी, या डी पुंदेश्वरी बनेगी स्पीकर, या इस कुर्सी पर बैठेंगे राधा मोहन सिंह। कई नाम है, सस्पेंस भी कायम है। कांग्रेस डिप्टी स्पीकर के पद अपने लिए मांग रही है। विपक्ष की स्पीकर डिप्टी स्पीकर समेत हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति भी बन चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सबकी निगाहें टिकी हैं 26 जून पर। अठारहवीं लोकसभा का आज से आगाज होगा। नव निर्वाचित सदस्यों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। 2 जुलाई को अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम जवाब देंगे। 3 जुलाई को अभिभाषण पर लोकसभा में पीएम जवाब देंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के लिए कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास 293 सांसद हैं और एनडीए अपनी पसंद का स्पीकर चुन सकती है, लेकिन विपक्ष की मंशा कुछ और ही है। 2014 और 2019 की बात अलग थी, तब बीजेपी के पास खुद का अकेला बहुमत था और विपक्ष कुछ हद तक कमजोर, लेकिन इस बार समीकरण बदले हैं। बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली हैं और वो बहुमत से 32 सीट पीछे है। इस बार कांग्रेस ने 99 सीटें जीती है और सदन में दूसरी बड़ी पार्टी का तमगा हासिल कर नेता प्रतिपक्ष के पद को हासिल करने के लिए भी योग्य है। लिहाजा बदले सूरत हाल में विपक्ष स्पीकर के चुनाव समेत सरकार को कोई भी फैसला आसानी से नहीं करने देगा, जिसकी झलक प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से ही मिलने लगी है। दरअसल 18वीं लोकसभा में बीजेपी सांसद भर्थरी महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। ये चुनाव राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत किया, लेकिन नाम का ऐलान होते ही विपक्ष भड़क गया। विपक्षी दलील है कि कटक से चुनकर आए भर्थरी महताब सिर्फ 7 बार के लोकसभा सांसद हैं, जबकि केरल के मवेली कारा सीट से चुनकर आए सुरेश 8वीं बार के सांसद बने हैं, इसीलिए वरिष्ठता के आधार पर उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने भर्थरी महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर परंपरा तोड़ने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने तथ्यों के आधार पर कांग्रेस पर पलटवार किया। परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद नियुक्त किए जाते हैं। नाउ 18वीं लोकसभा में 2 ऐसे सांसद हैं जिनका 8 टर्म हो चुका होगा। एक तो कोडिकुनल सुरेश हैं कांग्रेस के, जो ये 8वां टर्म है, और दूसरा वीरेंद्र कुमार जी। कोडिकुनल सुरेश का टर्न बनता है, उनकी बारी आती है, 8 टर्म है, 8वां टर्म है, पर उनको नहीं नियुक्त किया जाता है। और भर्थरी महताब को, जिसका 7वां टर्म है, 6 टर्म उनका बीजेडी का है और अभी 7वां टर्म बीजेपी का है, उनको नियुक्त किया जाता है। ये बुलडोजर की राजनीति की मानसिकता से ये हटे नहीं हैं, पहले दिन से ही टक्कर लेना चाहते हैं, हालांकि जनादेश प्रधानमंत्री के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। और आज के दिन में 18वीं लोकसभा में सबसे लंबा टेन्यर कंसेक्यूटिव टर्म 7 बार भर्तृहरि महताब का है। सुरेश कुडिकोनल जी जो कांग्रेस के सदस्य है, उसका टोटल टर्म 8 है, लेकिन उसका 2 बार
ब्रेक हुआ है। तो सबसे लंबा कंसेक्यूटिव निरंतर जो चुन के आए हैं वो भर्तृहरि महताब। ये मामला यूं ही नहीं थमा। भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया ताकि वो नए सांसदों को शपथ दिला सके, नए स्पीकर का चुनाव करा सके। शपथ ग्रहण में उनके सहयोग करने के लिए पीठासीन अधिकारियों का एक पैनल भी राष्ट्रपति ने तय कर दिया है, जिसमें 5 सांसद शामिल हैं, जिन्हें राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में संसद सत्र के शुरू होने से पहले शपथ दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर और पैनल के पीठासीन अधिकारी नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। चलिए नजर डालते हैं इस पैनल में कौन कौन शामिल है। इस पैनल में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं। पीठासीन पदाधिकारियों के पैनल में कांग्रेस के सुरेश, डीएमके के टीआर बालू, बीजेपी के राधा मोहन सिंह, बीजेपी के ही फगन सिंह कुलस्ते, टीएमसी के सुदेश बंदोपाध्याय। लेकिन सीनियोरिटी की अनदेखी करके सुरेश की जगह महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के फैसले के विरोध में इंडिया गठबंधन ने कहा कि विपक्षी सांसद के सुरेश बालू बंदोपाध्याय पीठासीन अधिकारियों के पैनल में शामिल नहीं होंगे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बंदोपाध्याय से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने भी वही दलील दी कि सुरेश भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। Now the 8th term member of parliament is there in the house, then 7th time member of parliament appointed as pro tem speaker. Sir, we are claiming that this is pro tem speaker will be goes to 8th time member of parliament. They have done wrong thing, they have done wrong decision. Now the entire country is also criticizing BJP government decision. प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस और बीजेपी की भिड़ंत बताई जा रही है। इस सत्र में हंगामा विरोध जबरदस्त हो सकता है। अभी तो कांग्रेस इंतजार कर रही है कि तो 26 जून को लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी कौन सा नाम आगे बढ़ाती है। माना जा रहा है कि एनडीए सहयोगी दलों से बातचीत मंथन के बाद बीजेपी ने वो नाम तय कर लिया है और नाम संभावितों के सामने आ रहे हैं। उनमें ओम बिरला भी हैं, जो पिछली बार स्पीकर थे, वो राजस्थान के कोटा से तीसरी बार जीते हैं। राधा मोहन सिंह का नाम सामने आ रहा है, वो बिहार के पूर्वी चंपारण से सांसद चुने गए हैं, 7 बार चुनाव जीते हैं। मोदी 1.0 में कृषि मंत्री भी रहे। इसी कड़ी में डी पुरंदेश्वरी का नाम सामने आ रहा है, जो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री से सांसद हैं, 3री बार चुनाव जीती हैं, फिलहाल आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब का नाम भी संभावित स्पीकर के तौर पर सामने आ रहा है, जो ओडिशा के कटक से फिर सांसद बने हैं, लगातार 7वीं बार चुने गए हैं। इस साल मार्च 2024 में वो बीजेडी से बीजेपी में शामिल हुए। अब इनमें से कोई स्पीकर बनेगा या पीएम मोदी कोई नया चेहरा सामने लाकर फिर सरप्राइज करेंगे, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, जिसके लिए इंतजार 26 जून तक करना होगा, जब पीएम नरेंद्र मोदी स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। उधर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट के लिए कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग कर डाली है। प्लान के बारे में जानने से पहले एक नजर अतीत पर डालनी जरूरी है। दरअसल 2014 यानी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने स्पीकर की पोस्ट अपने पास रखी। सुमित्रा महाजन स्पीकर बनाई गईं। डिप्टी स्पीकर की पोस्ट एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई को दी गई। 2019 में बीजेपी का बहुमत बढ़ा, ओम बिरला स्पीकर बने, लेकिन डिप्टी स्पीकर की पोस्ट किसी को नहीं दी गई। इस बार कांग्रेस डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांग रही है। मोदी मॉडल में लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। 1952 से परंपरा है, संसद में परंपरा का वही महत्व होता है जो लगभग रूल्स का होता है। स्पीकर पद रूलिंग पार्टी को रहता था, डिप्टी स्पीकर पद अपोजिशन को रहता था। ये परंपरा तोड़ दी, पिछली बार किसी को बनाया नहीं। डिप्टी स्पीकर के पास कई पदेन कमेटियां होती हैं, उनका क्या होगा? ये सब अनुचित है। ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराएं नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में तानाशाही इसी को कहते हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस को अगर सरकार डिप्टी स्पीकर का पद देने का भरोसा देती है तो इंडिया गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार को सर्वसम्मति से समर्थन दे सकता है, और अगर कांग्रेस के किसी लीडर को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं दी गई तो विपक्ष स्पीकर के पद के लिए अपने प्रत्याशी को खड़ा कर सकता है, जो कि आजाद भारत में पहली बार होगा। लेकिन सरकार भी विपक्ष को साधने में लगी हुई है। बेशक नरेंद्र मोदी का बतौर पीएम 3रा टर्म है, लेकिन पहली बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत से दूर है। कांग्रेस और विपक्षी दलों को लग रहा है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी स्पीकर पद के लिए बीजेपी पर दबाव डाल सकती है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की 3री पारी में कैबिनेट का बंटवारा हुआ, लगता तो यही है कि सीटें भले कम हो लेकिन मोदी में वही दम है। हालांकि कहीं से भी ये सिग्नल नहीं आया जिससे लगे कि बीजेपी अपने सहयोगियों के आगे सरेंडर है।